हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है, और एक्सेस में अगर हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें कि हम प्रोडक्ट की बात करें, यानी आज का ये जो वीडियो है वो प्रोडक्ट के सॉफ्टवेयर को लेकर के है। और आज के इस वीडियो में तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस को ओपन करना है, तो ये एक्सेस का 2021 है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हमें ब्लैंक डाटाबेस पे जाना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये सिनेरियो ओपन होता है। अब आपको तो पता ही है यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है, तो कर दीजिए क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से व्यू पे जाना है, तो दो व्यू होते हैं आपको पता ही है, डिजाइन व्यू पे हमें चले चलना है। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट की टेबल है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट टी कर देता हूँ, यानी प्रोडक्ट की टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट का आईडी और यहाँ पर आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये कर दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम लिखने वाले हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है हम शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट के प्राइस की बात करेंगे। तो ये हो गया प्राइस, तो यहाँ पर प्राइस लिख लेते हैं। और फिर इसका डेटा टाइप जो है हम करेंसी रखेंगे, तो यहाँ पर करेंसी डेटा टाइप मेंशन कर लीजिएगा। देन यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर क्वांटिटी की बात करेंगे, तो क्वांटिटी पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर रखना है और यहाँ पर आपको बनाना है डबल, यानी लॉन्ग इंटीजर को लॉन्ग इंटीजर ना रख करके बनाना है क्या, डबल। तो यहां से बना लीजिएगा इसे डबल, और जैसे डबल बनाते हैं तो यहां पर आप डेसिमल वैल्यूज भी एंटर कर पाएंगे। अब यहां पर हमें टोटल कैलकुलेट करना है, यानी टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं टोटल प्राइस। और जैसे ही आते हैं तो यहां पर अब हमें कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है, और अब यहां पर प्राइस लिखना है, ये PRICE प्राइस हो गया, और यहां पर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाई QTY क्वांटिटी हो गया, और क्वांटिटी लिख करके यहां से ओके करना है। ओके करने से ये होगा कि यहाँ पर टोटल आपको शो होने लगेगा, लेकिन अभी हमें यहाँ पे टैक्सेस भी कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पे टैक्स अमाउंट कर देता हूं। तो ये कर दिया हमने टैक्स अमाउंट, ठीक है। तो टैक्स अमाउंट कितना परसेंट लगेगा, तो यहां पर मैं क्या करता हूं ना, और नंबर रख करके यहां पर जो ड्रॉपडाउन आ रहा है ना, इसे बना दीजिए परसेंटेज। तो यहां से आइए और यहां से इसको परसेंटेज बना लीजिए, परसेंटेज बना लिया, अब हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी हम डालेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल प्राइस, टोटल जो है टैक्स जो है कैलकुलेट होगा परसेंटेज के हिसाब से। तो यहाँ पर कर देते हैं टोटल टैक्स, एक फील्ड कर देते हैं, और अब यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल प्राइस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए टोटल अंडरस्कोर प्राइस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टैक्स अमाउंट दिया गया है, तो यहाँ पे टोटल टैक्स नहीं करना है, टैक्स अमाउंट करना है। तो यहाँ पर TAX टैक्स अंडरस्कोर अमाउंट कर लीजिएगा, तो ये हो गया टैक्स अमाउंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स अमाउंट जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये टैक्स अमाउंट करके यहाँ से ओके करिएगा, और तब यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपका ये कैलकुलेशन परफेक्टली डन हो जाएगा। और अब आप यहां पर प्रोडक्ट की डिटेल एंटर करिए, जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट हम यहां पर ले लेते हैं, पन दाल कर देते हैं, तो ये हो गया। और यहां पर जो है टाटा संपन्न का दाल जो आता है वो मान लीजिए आता है 140 रुपए किलो, ठीक है। और मान लीजिए 60 किलो की बात हो रही है, तो यहां पर 60 किलो का प्राइस अपने आप कैलकुलेट हो रहा है, देख सकते हैं। अब यहां पर इन सब पर जो है जो टैक्स लग रहा है वो 5% का लग रहा है मान लीजिए, तो यहां 5 करते ही देखिए, यहां पर जैसे ही मैं 5 कर रहा हूं, देखिएगा यहाँ पर जैसे ही मैंने 5 लिखा तो ये जो है गायब हो जाता है। अब ये गायब हो जाता है तो क्यों गायब हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर जब हमने ये डेटा बनाया था, जो ये यहाँ पे बनाया था हमने, तो यहाँ पर ये लॉन्ग इंटीजर ही छोड़ दिया था इसको, तो यहाँ पर आप डबल बना लीजिएगा और तब इसको सेव कीजिएगा, तब ये जो है बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर यस करिएगा, तो देखिए अभी यहाँ पर अगर मैं टैक्स रखता हूँ तो ये काम करेगा, तो अगर मैं 5% रख रहा हूँ तो यहाँ पे 5% के हिसाब से कैलकुलेट भी कर रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे शुगर कर देते हैं, SUGAR शुगर, और शुगर जो है यहाँ पे 45 रुपए किलो है, और यहाँ पर 50 किलो चीनी की बात हो रही है, और इस पर जो टैक्स है वो भी 5% ही लग रहा है, तो यहाँ पे 112 रुपए टैक्स अमाउंट आ गया। इसी तरीके से अगला रेड चिली पाउडर है, तो यहाँ दे दिया रेड चिली पाउडर POWDER, तो ये रेड चिली पाउडर हो गया, और यहाँ पर रेड चिली पाउडर का जो कॉस्ट है वो आएगा, तो यहाँ पर 50 रुपए कॉस्ट है, और यहाँ पे 7 पैकेट की बात हो रही है, और फिर यहाँ पर टैक्स की बात होगी, तो यहाँ 5% ही टैक्स लगाते हैं। कुछ और भी टैक्स आप चाहे तो लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ यही टैक्स लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगला प्रोडक्ट आएगा, तो जो अगला प्रोडक्ट हमारा है वो क्या है, वो यहाँ पे हमें लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रोडक्ट जो है सोप कर देते हैं, SOAP सोप, और यहाँ पर एक सोप जो है 35 रुपए का है,
और इसी तरीके से 70 पीसेस रहे और उस पर जो है 10%। अब देखिए यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ 10% कर दिया और ये 10% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है, देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से ये काम हो गया और ये सिंगल है, एक ही हमने टेबल बनाया है। और अब इसके लिए सीधा फॉर्म बना सकते हैं आप यहाँ से जाके, और देखिए फॉर्म भी अलग अलग तरीके के हैं, तो आप कोई सा भी फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं आप, डिजाइन भी कर सकते हैं फॉर्म को, तो जैसा चाहे वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पे डिजाइन पे जाते हैं और यहाँ से सबसे पहले एड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाएंगे और यहाँ पर वो सारे फील्ड्स को लेके आएंगे जिनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक है। यहाँ पर एक फील्ड हो गया, ये दूसरा फील्ड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये तीसरा, जो भी फील्ड्स यहाँ पे दी गई हैं उन सारे फील्ड्स को लेके हमें आना है, ठीक है। तो ये हो गया ये इस तरीके से, और फिर यहाँ पर ये आएगा और फिर ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा टोटल टैक्स वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करके यानी बैकग्राउंड का कलर जो है हमें चेंज करना होगा, तो यहाँ से जाकर के बैकग्राउंड का जो कलर है उसको मैं बदलने वाला हूँ, आप देख सकते हैं ये कलर रखूंगा। और यहाँ पर इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके और इसका कलर भी बदलना है, कलर चेंज करेंगे तो ही ये ठीक दिखेगा। तो यहाँ पर ये कलर भी चेंज कर दिया गया इसका और यहाँ पर इसे बोल्ड बना दिया गया। तो पहले हम नीचे बटन बनाएंगे, तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करके और एक एक बटन हम बनाते चलते हैं। तो यहाँ पे इसे ड्रैग कराया, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग जो है ऑप्शंस आ रहे हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना है, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन हम क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे टेक्स्ट ही आएगा, ठीक है, और यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो ये गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन बन गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन बना सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रैग करके और फिर देखिए ये प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन इसमें दिया गया, तो ये जा करके और यहाँ पे इस तरीके से ये प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे आपको करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और फिर जो है यहाँ से इसको ड्रैग करवाना है, ठीक है। ड्रैग करवा दिया, ड्रैग करवाने के बाद अब यहाँ पर एक अलग ऑप्शन ऐड न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन हमें चाहिए, तो यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड का एक बटन बना लेते हैं, एक बटन हमको हमें इसकी भी जरूरत है। तो यहाँ पे ये बन गया ऐड रिकॉर्ड का बटन, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी बटन हो वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो अगर आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाइए, फिर अगले रिकॉर्ड पे जाना है तो ये रेड चिली पाउडर वाला रिकॉर्ड है। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं तो प्रीवियस, एक और बटन बना के देख लेते हैं जो कि डिलीट रिकॉर्ड का बटन होगा और उसके लिए भी हमें कहाँ जाना होगा, यहाँ पर जाना होगा और ये देखिए यहाँ पर बटन है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए जैसे कि पहले मैंने किया था, ठीक है। और क्लिक करके आप इसको ड्रैग करवाना है, तो यहीं पे मैं ड्रैग करवाता हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करवाइएगा तो ये विंडो ओपन होगी। अब हमको चूंकि किसका बनाना है, हमको यहाँ पर अब डिलीट रिकॉर्ड का बटन बनाना है, तो यहाँ रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाएंगे और रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे नजर आएगा डिलीट रिकॉर्ड। अगर आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड या अंडू का बटन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं। फिलहाल हमें बनाना है डिलीट रिकॉर्ड का, तो हम चलेंगे डिलीट रिकॉर्ड पर और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट रखना है और टेक्स्ट रख करके फिर आगे बढ़ेंगे। देन हमें किस पे क्लिक करना है, फिनिश पे। तो बस कर दीजिए फिनिश पे क्लिक और जैसे ही फिनिश पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आ जाता है और आप देखेंगे कि अब ये डिलीट रिकॉर्ड का भी बटन बन करके तैयार है। यानी आप प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना हो प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाइए, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना हो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाइए, रिकॉर्ड को ऐड कराना हो आप यहीं से ऐड करा सकते हैं, डिलीट करना हो डिलीट भी कर सकते हैं। तो हर तरीके की सुविधा इस फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अब इसको सेलेक्ट करके एक ही बार में थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं ताकि हमारे ये बटन्स भी ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ ले आ करके और फिर इसको यहाँ ला करके और ये जो डिलीट रिकॉर्ड का बटन बनाया है इसको ठीक इसके बगल में ला करके रखेंगे और ये जो है अब बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से व्यू पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे बटन्स भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाटा संपन्न वाला जो बॉक्स हमने बनाया वो थोड़ा छोटा लग रहा है, तो आप यहाँ से जाकर के इसे बड़ा भी कर सकते हैं, यानी नेम ऑफ प्रोडक्ट वाला बॉक्स थोड़ा सा आपको बड़ा रखना है बस। अब आप व्यू पे क्लिक कीजिए, देखिए ये पूरा दिखाई भी पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे होगा और उम्मीद करता हूँ कि ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्टिव सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।